नमस्कार। आज हम स्पर्श की पाठ्य पुस्तक में से धर्म की आड़ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ को आरंभ करने से पहले मैं पाठ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। धर्म की आड़ गणेश चंद्र विद्यार्थी द्वारा रचित निबंध है। इस पाठ में लेखक ने धर्म के नाम पर लोगों को आपस में लोगों का जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नृत्यत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो जो चालाक आदमी हैं वो पढ़े लिखे लोगों का दुरुपयोग करते हैं, उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं वो इसलिए कि वो एक नेतापन हासिल कर सकें और बड़प्पन हासिल कर सकें, बड़ापन मतलब एक मुकाम हासिल कर सकें। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम और सबसे आसान लगता है। उन्हें ये साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है, मतलब उचित है। एक साधारण छोटे से छोटा आदमी भी ये मानता है कि अपने धर्म के लिए अगर जान दे दी जाए तो वे सबसे उचित है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, मतलब वो नहीं जानता कि धर्म के सही अर्थ क्या हैं। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है, यानी कि जैसे उसे सिखाया जाता है वैसे ही वो समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं। उसकी इस अवस्था का जो चालाक लोग हैं बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अटालिकाएं आकाश से बातें करती हैं। अटालिका मतलब ऊंचे मकान, आकाश से बातें करना बहुत ऊँचाई तक जाना। गरीबों की कमाई ही से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद, बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ। मतलब इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि अमीर लोग गरीबों का खून चूसकर ही अमीर हुए हैं, ठीक है, और इसी के कारण उनके बड़े बड़े ऊँचे मकान हैं और फिर भी गरीबों का ही दुरुपयोग किया जाता है। इसी के कारण साम्यवाद आदि प्रथाओं का जन्म हुआ।
हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी अपने ही स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। तो इन पंक्तियों में लेखक बता रहा है कि हमारे देश में धनपतियों का इतना जोर नहीं है, यहाँ धर्म के नाम पर कुछ गिने चुने आदमी हैं जो स्वार्थ सिद्धि के लिए काम करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है, जितना बुरा यह है कि वह धन की मार, यह है बुद्धि पर मार। यानी कि वो धन का उनका दुरुपयोग करते हैं वो इतना बुरा नहीं है, जितना कि वो उनकी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं ये सबसे बुरा है। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अब अनियंत्रित और ध्रुत आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष से नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। तो इन पंक्तियों में लेखक यह बता रहा है कि हमारे देश में जो मूर्ख लोग हैं, जो धर्म को ही अपना सब कुछ मान बैठे हैं और धर्म के कारण कुछ गलत कार्य भी करते हैं, तो यह कार्य इन ख़त्म होना चाहिए। मतलब कि उनको समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना है, इसके लिए कदम उठाने चाहिए। धर्म और ईमान के नाम पर जो व्यापार चल रहा है उसे दृढ़ता से आगे बढ़कर ख़त्म करना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े, मतलब कि रोज़ बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। ध्रुत लोग मतलब पाखंडी लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक सच्चा और इंसान पीछे रह जाएगा। तो आज हम इस पाठ को इतना ही पढ़ेंगे, आगे की वीडियो में आगे का पाठ पढ़ाया जाएगा।